हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट पोजिशन को निकाला गया है एनसीसीएस पुणे, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जो कि सिचुएटेड है पुणे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के द्वारा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट पोजीशन को में रिक्रूटमेंट चाहिए उन्हें, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन इन्होंने मेंशन कर रखी, साइंटिस्ट जी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर रखा है और साथ ही इन्होंने जो पे लेवल भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो साइंटिस्ट जी के लिए लेवल 14 है, साइंटिस्ट डी के लिए लेवल 12 है और साइंटिस्ट सी के लिए लेवल 11 एज पर 7 पे कमीशन, ठीक है। तो साथ ही इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट है और जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो देखिए साइंटिस्ट जी के लिए 1 वैकेंसी, साइंटिस्ट डी के लिए 1, साइंटिस्ट डी 3 वैकेंसी ओबीसी में, तो 2 वैकेंसी एससी में, 1 एसटी में और साइंटिस्ट सी के लिए 1 जो है वो एससी में वैकेंसी। साथ ही साथ जो एज लिमिट है मेंशन कर रखी, तो साइंटिस्ट जी के लिए आपकी एज नॉट मोर देन 58 ईयर्स होनी चाहिए, बाकी डी के लिए नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स और साइंटिस्ट सी के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, ठीक है। अब हम बात करें तो मेथड अपॉइंटमेंट की, तो ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और साथ ही इन्होंने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होनी चाहिए विद आपके पेटेंट और पब्लिकेशन होने चाहिए, अगर आपके कोई पेटेंट है या अगर आपके कोई पब्लिकेशन है तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास इविडेंस होना चाहिए कि आपने किसी भी सपोज पीडीएफ को आपने गाइड किया 15 इयर्स एक्सपीरियंस, आपके पास यहाँ पे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन इन आरएनडी, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको मोर देन 50 इयर्स का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। डिजायरेबल इनमें मांगा है एमडी पीएचडी विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन माइक्रोबायोलॉजी प्रेफरेबली विद ट्रांसलेशन आउटलुक फॉर माइक्रोबियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यू हैव टू रन योर ओन रिसर्च प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड सुपरवाइज ओवरऑल एक्टिविटी टू माइक्रोबियल रिपोजिटरी एंड प्रमोट ट्रांसलेशनल रिसर्च एक्टिविटी विद एकेडमिया एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखिए साइंटिस्ट डी के लिए भी है जो मेथड अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एमटेक एमडी एमबीएससी और एमएससी विद पीएचडी विद ओरिजिनल वर्क एंड डिविडेंड बाय पेटेंट और पब्लिकेशन, और यहाँ पे जो आपका लीडरशिप का एक्सपीरियंस आपका 9 ईयर होना चाहिए आरएनडी में, ठीक है। और अगर जो पीएचडी है एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के साथ, तभी आप जो है साइंटिस्ट डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं साइंटिस्ट डी, तो यहाँ पे नंबर पोस्ट उन्होंने मेंशन कर रखी 6 और 3 ओबीसी में, 2 एससी में, 1 एसटी में, तो टोटल जो पोस्ट है साइंटिस्ट डी के लिए वो 6 है। यहाँ पर भी देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेथड अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पर भी आपको एमटेक एमडी एमबीएससी एम फार्मा और एमएससी या विद पीएचडी विद ओरिजिनल वर्क एज एविडेंस बाय पेटेंट और पब्लिकेशंस, और यहाँ पे जो है आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 इयर्स का आरएनडी में, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं साइंटिस्ट डी में, तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने मेंशन कर रखी है 3 वैकेंसी फॉर साइंटिस्ट डी, 2 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी और 3 फॉर ओबीसी, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे रखा है। और अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या पे जॉब करनी है उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट सी के लिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यहाँ पे आपका एमटेक एमडी एमबीएससी एम फार्मा एमएससी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस और पीएचडी विद ओरिजिनल वर्क एज एविडेंस बाय पेटेंट पब्लिकेशन एविडेंस ऑफ लीडरशिप विद अबाउट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन आरएनडी होना चाहिए, ठीक है। अब एक डिजायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी, तो अगर आपने माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो ये सब जो है आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बोला है द अबव पोस्ट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्किल एंड कैरियर, तो यहाँ पे आपको डीए टीए एचआरए एज पर 7 सीपीएससी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिया जाए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसके बाद बोला है कि आपको कुछ एप्लीकेशन फी पे करने पड़ेगी। तो अगर आप साइंटिस्ट जी के लिए पे करते हैं और आप एस सी एस टी बी डब्ल्यू कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी, तो आपको यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी है। वहीं का जो जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1000 फॉर साइंटिस्ट जी और साइंटिस्ट डी सी के लिए 500, वहीं ओबीसी वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 फॉर साइंटिस्ट जी एंड साइंटिस्ट डी सी के लिए 300 और अनरिजर्व कैंडिडेट फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे $30 साइंटिस्ट जी के लिए और $30 साइंटिस्ट डी और सी के लिए। और ओबीसी या वुमेन कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम अब्रॉड विद ओसीआई स्टेटस, तो उनके लिए $20 जो है वो है साइंटिस्ट जी के लिए और जो $20 है वो साइंटिस्ट डी और सी के लिए है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म भेजना है उसके साथ आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट भी भेजना है कि आपने जो है पेमेंट कर दिया है, क्योंकि अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपका जो है एप्लीकेशन उसे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेता हूँ कि आपके लिए क्या है। तो अगर यहाँ पे जो है आपका शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे डेट और टाइम जो इंटरव्यू का है या अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो से पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, और आई थिंक मे बी वो आपको डेट एंड टाइम जो इंटरव्यू का है वो आपको मेल भी करेंगे। अब देखिए इन्होंने देखिए जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 इयर्स विच में बी एक्सटेंडेड एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 इयर्स का, उसके बाद जो है आपका जो अपॉइंटमेंट है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देख लें कुछ और पॉइंट। तो इसके बाद इन्होंने बोला है वुमेन साइंटिस्ट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट इनक्रेज टू अप्लाई। तो अगर आप वुमेन साइंटिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे जो है इंक्रेज किया जा रहा है कि आप जो है इस इन पोजिशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, तो देखें यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे दे रखा है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट या जो भी एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है तो उसे आपको यहाँ पे अटैच करके सेंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, एसआई नंबर, ये सारा चीजें जो है आपको फिल करना है। तो आप जो इसे फिल कर सकते हैं और आपको फिलअप करने के बाद जो है देखिए सारे यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म जो है आपको फिल करने हैं, और फिल करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने जितने टेस्टिमोनियल्स हैं, चाहे वो आपका एमएससी का डिग्री हो, चाहे आपका पीएचडी का डिग्री हो, चाहे आपका जितना भी जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस जो भी हो, या कोई पार्टिकुलर एक्सपीरियंस हो जिसमें जो कि आप दिखाना चाह रहे हो, तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आपको सेंड कर देना है एनसीसीएस पुणे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ जरूर रेफरेंस करनी है, तो फोटोग्राफ आपको यहाँ फोटोग्राफ जरूर लगाएं। ठीक है, और आई थिंक मे बी आपको 1 फोटोग्राफ जो है वो आपको सेंड करना है अलोंग विद दैट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या जो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की है वो अगर लास्ट डेट से बाद में जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए लास्ट डेट से पहले ही जो है आप अपना फॉर्म जो है वो सेंड कर दें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।